by the sounds I'm breathing in. Hold tight. तो यहाँ मैडम जो है वो खा रही हैं नट्स और फटाफट बस उसके बाद जो है मैंने आज एक मेजर मिस्टेक की थी जो अभी मैंने वीडियो डिलीट कर दिया था एडिटिंग के वजह से और कहाँ पे मिस्टेक हुई मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये देखिए कुहू के पापा जो हैं कुहू के लिए मेहनत कर रहे हैं, कुहू के लिए मूंगफली छील करके अभी अपने खाने के लिए लेके आया था। और एक्चुअल में क्या हुआ, अभी नीचे घूम रही थी देर से। हाँ, और जैसे ही छीलना सके तो तुरंत आ गई। और कुहू को हमने अभी पिस्ता खिलाया ही था, नट्स खिलाए थे, उसके बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है हम मूंगफली खा लेते हैं। और ये देखिए मुंह में लगा लगा के मूंगफली, नमक लगा करके पूरे मुंह में लगा करके फिर खा रही है। और ये नमक जो है ना ये वही वाला जो लेकर आई थी वहां से, कहाँ से, उत्तराखंड से। उत्तराखंड गई नहीं थी, यहाँ पे जो हॉच कहाँ पे गए थे हम क्राफ्ट वाले में, वहां पे कु पापा को खिला दो। विक्रम आप करो, पापा को तो खिलाने के लिए एकदम साफ साफ वो करती है। पापा को खिला दो बेटा, देखिए मूंगफली अभी छिलेगी। हाँ इंतजार में, देखिए देखिए अदाए देखिएगा, देखिए 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 बस छिलने का इंतजार करती है कि बस छिलेगी। और उसके बाद तुरंत एक मिनट भी नहीं हुआ ये उठाया ये डायरेक्ट मुंह में, दूसरा वाला भी पापा को नहीं देगी। ये कौन सा अत्याचार हो रहा है। तो एक्चुअल में मुझसे मिस्टेक ये हुई कि जो बिफोर वाली क्लिप थी जिसमें मैंने स्टार्टिंग में वेलकम कर रहा था वो मैंने स्टार्टिंग में डाल दी, मुझे लगा स्टार्टिंग वहाँ से है। एक्चुअल में मैं अपने सिस्टर इन लॉ के घर थी तो हम लोग साथ में बैठ कर चाय पी रहे थे, तो मैं एडिट कर रही थी तो मुझे लगा वॉइस ओवर बाद में करना है, तो कुकिंग वाला पार्ट जो है ना वो सब मैंने बाद में वॉइस ओवर किया, तो उस पर कुकिंग वाला कर दिया और नेक्स्ट डे लिख दिया क्योंकि नेक्स्ट डे का ही था वो वीडियो। तो मैं कंफ्यूज हो गई और जब मैंने बाद में वीडियो देखी तो मैंने ध्यान दिया कि शर्ट मैंने वीडियो को ना उल्टा एडिट कर दिया है, मतलब क्लिप जो है मैंने आगे वाली पीछे कर दी, पीछे वाली आगे कर दिया। तो चलिए ये एक दिन पहले का है, मतलब कि ये संडे का दिन है जिस दिन विक्रम घर पे थे, छुट्टी थी। तो यहाँ पे विक्रम जो है वो मतलब मैं जो है घी निकाल रही हूँ, मलाई बहुत सारी स्टोर हो गई थी और उस दिन बहुत ठंडी थी, तो फटाफट विक्रम का डिमांड था कि सूप कुछ पीना है या फिर कुछ सांभर जैसा, तो मैंने कहा सांभर बन रहा है तो चलो इडली भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे झटपट वगैरह सांभर इडली बनाई गई और फिश ऐसे करते करते शाम हो गया, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ठंडियों में और ठंडी भी लगती रहती है मगर काम तो करना ही है। तो मैंने निकाला था घी जिस भगोने में, उसी भगोने में मैंने सोचा कि चलो इसमें मैं बना लेती हूँ, घी बहुत सारा है तो इसमें गाजर का हलवा भी बन जाएगा। तो शाम को हलवा बनाया था जो कि हमने संडे भी खाया और मंडे भी इंजॉय किया। अब मैं आपको डे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना मैंने डे मेंशन नहीं किया था, अगर मैं डे पहले से मेंशन करती तो शायद मुझे भी रिकॉर्डिंग करते वक्त कन्फ्यूज़न नहीं होता, वहीं पे मैं समझ जाती कि मैंने क्लिप आगे पीछे कर दी है। तो हलवा बन गया है, चलिए हलवा खा लेते हैं। और शाम को बनाया था और ये हलवा सिर्फ एक दिन में ही ख़त्म हो गया, उसके बाद पालक बची थी तो मुझे लगा चलो पालक की सब्जी बना लेते हैं, फिर उसके बाद लगा कि पालक की सब्जी से अच्छा पालक पनीर बना लेते हैं क्योंकि पनीर भी था तो पालक पनीर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसी ग्रेवी चीज़ें नहीं बनाई थी कि ग्रेवी करूँ ये करूँ, खड़ा जो भी चॉपिंग वगैरह था जल्दी झटपट बना दिया, ठंडी बहुत लग रही थी, आलस आ रहा था क्योंकि ग्रेवी बनाओ तो उसके लिए मशीन निकालो मशीन धो लो, बहुत सारा काम बढ़ जाता है और लगता झटपट झटपट चीज़ें बन जाओ बस उसे खा लो। तो मैंने यहाँ पे इसके साथ बनाया था राइस, वैसे तो आप पराठे रोटी कुछ भी बनाओ अच्छा लगता है पालक पनीर के साथ, बट राइस भी। और ये पालक पनीर मुझे नहीं पता था कि ये इतना मतलब बन जाएगा ठीक ठाक से, बट एज यूजली विक्रम जो है वो क्या कहते हैं उन्होंने खाया, उन्होंने फीडबैक दिया तो उनको बहुत पसंद आया, तो जो खाने वाला है अगर उसको पसंद आ रहा तो समझ लो अच्छा ही बना है। अभी मैं इन शॉर्ट में क्लिप में कुछ थोड़ा बहुत काट रही हूँ क्लिप, क्योंकि ये कोई रेसिपी मैं वैसे नहीं शेयर कर रही हूँ और मुझे जल्दी जल्दी अभी भी मैं अपने सिस्टर इन लॉ के घर से निकलना ही है, तो इसकी निकलने वाली जो क्लिप है मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। और हाँ मेरे घर में कुछ पार्टी शार्टी भी कुछ होने वाली है, कौन आने वाला है क्या होने वाला है वो अभी कंफर्म नहीं है, जब होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड नहीं कर रही हूँ, ये नेक्स्ट डे का अब आपको मिलेगा जो कि ये क्लिप मैंने बाद में लगा दी थी, उल्टा कर दिया था। Hey guys, welcome back to my channel, Smile with Shevi. कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो हम और शेवी कहीं जा रहे हैं और शेवी के पापा जो है पानी लेकर आ गए, हम एक्चुअल में गेट बंद करके आए और पानी की बोतल भूल गए, और रास्ते में कहीं जाओ तो पानी जरूर रहना चाहिए बच्चों के लिए। मास्क मैं अभी लगा रही हूँ थोड़ी देर में, और
शिवी ने अभी एक गाना गाया, मैं गाना ऐसे गा रही थी, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, तो कू गाती है गाओ देखा, तो कू गाने में बहुत आगे है, गाने की कॉपी जो करती है। और आज मेरा पति भी पूरा एकदम हैंडसम लग रहा है, हैंडसम पति आ यार नजर ना लगे मेरे हैंडसम पति को। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं आप आगे देखिए, सरप्राइज है। अभी तो कह रहे पेट्रोल पंप जा रहे हैं, पेट्रोल गाड़ी को पहले खाना पीना खिला दे, नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं। और मैं अभी बेल्ट लगा लेती, फिर आप लोगों से मिलता है। करने वाले जंगल में कहाँ खो गए आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोगों ने तो देख ही लिया है इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ अपनी नंद के घर, और पीछे खूब सारे गाने चल रहे हैं, लोग डांस वांस कर रहे हैं। मेरे नंद का बेटा है एक्चुअल में, कुछ दिन पहले इनके बेटे की तबीयत भी ख़राब थी, तब भी हम नहीं आ पाए थे। मम्मी भी आई थी, मम्मी भी आके गई थी, तो उस टाइम पे वेदर भी बहुत ज़्यादा बहुत हो गया था। और सोनीपत की तरफ रहते हैं, तो अभी इन्होंने घर शिफ्ट किया है, तो घर शिफ्ट किया तो काफ़ी अभी उथल पुथल हो रखा था। तो ये था कि हाँ चलो ठीक है टाइम मिलेगा, तो विक्रम की जो है छुट्टी थी, तो हमने कहा चलो नेक्स्ट डे भी छुट्टी है तो चलो चलते हैं और वहाँ पे सबसे मिल कर आते हैं। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चाय पानी हो चुका है। बट शिवी मैडम का अभी स्टिल जो है नमकीन खाई जा रही है, नमकीन अभी चल रही है, वो उन्होंने नहीं खाई है अभी। और उसके बाद जब ये सब हो गया तो खाने की बारी, खाना जो है हम लोगों ने खाया, जिसमें खाया आलू मटर टमाटर की सब्जी, पूड़ी सलाद अचार, ये सारी चीजें थी। और उसके बाद बच्चों की शैतानी शुरू। भैया वो देखिए वो क्या कर रहे हैं, लड्डू हाय कर दो, हाय, गेम चल रहे हैं। तो बच्चों का तो एज यूजुअल हमेशा गेम एंजॉय करते हैं। और अभी हम लोगों ने पी है गुड़ की चाय, जो कि हमारे प्रिय जीजू ने बनाई है, बहुत ही टेस्टी चाय थी गुड़ की। और उसमें डाला था वो क्या कहते हैं जीजू, क्या कहते हैं मैं भूल गई, गुड़ के साथ क्या डाला था, दालचीनी हाँ सॉरी दालचीनी जो है वो इन्होंने डाली थी, वो बहुत टेस्टी बनी थी। तो जीजू ने ये चाय पिला करके, चाय मैंने अभी जस्ट खत्म की है, और पिला करके एकदम मन तृप्त हो गया खाना खाने के बाद, गर्मा गर्म गुड़ की चाय पी करके। और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा देखने टीवी शीवी, ये देखिए मैडम बच्चे तो बस अपने काम पे ही बिजी रहते हैं। उसको एक ग्रीन कलर की बॉल मिल गई छोटी सी, है ना वो, और रबड़ बैंड निकाल लिया। पर ठंड यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब मैं सोची थी कि ठंड कहीं और। चाय कैसी थी? बस।